जब हम विधायक बने तो हम रोक लगाना शुरू किया नक्सलाइटों पर। ये लोग का किया कि हमारा जमीन सीज कर लिया और मकान जितना मेरा था 24 डिसमिल में 24 लोगों के मकान को गिरा दिया और हमारा पूरा परिवार को घर से निकाल के बाहर कर दिया। तब बांके बाजार में को डेरा लेके हम रहे थे। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इमामगंज के पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान जी। बिहार में अभी जातीय जनगणना लेकर बातें छिड़ी हुई हैं, कारण क्या है, जातीय जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये बताइए मुझे। ज़रूरत वोट अपनाओ का। अच्छा हाँ, अब उस तेजस्वी समझ रहा है कि हम भाई अपना वोटर मेरा जो है ज़्यादा है या और लोग हैं सब साथ हो जाएंगे जातीय गणना से। नीतीश जी सोच रहा है कि भाई हम अगर बात नहीं मानते हैं तो लोग हमको कायल कर देगा कल, इसलिए लाचारी होकर बात मानने तैयार है कि ठीक है जातीय गणना होना चाहिए। आप अभी इमामगंज से विधायक रहे हैं, आप शेरघाटी ज़िला की मांग आप जिस समय विधायक बने थे तब से चल रही है और ये मांग आप देखिएगा तो निकलवा देंगे। हम लोग जो विधानसभा में बात रखे थे लालू जी के सामने, ये कहिएगा तो चुपका पुर्जा निकलवा देंगे। हम लोग बात रखेंगे तो कि शेरघाटी को अथी जिला बनाया जाए। अच्छा, इस बात पर सारा लोग यही कहा था कि नहीं शेरघाटी जिला बनेगा जी, भले वो लोग धोखा दे दे वो अलग बात है, और हम आज भी कहते हैं कि शेरघाटी को जिला बनना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे जगह पर यहाँ इसे छोटा जगह पर जिला बना है और ये तो बड़ा है। सर आप आजकल राजनीति से थोड़ा निष्क्रिय क्यों चल रहे हैं आप? निष्क्रिय चल रहे हैं दोस्त, देखिए इस क्षेत्र में फायरिंग रेंज हो गया था दोस्त। फायरिंग रेंज को हटाने वाला जब हम विधायक तक क्वेश्चन डालते थे तो स्पीकर उसको कैंसिल कर देते थे। तो एक दिन हम उनके घर चले गए स्पीकर के घर जनरल यादव थे, तो कहें कब बेटा, हम कि चाचा हम क्वेश्चन डालते हैं बिहार सरकार की फायरिंग रेंज का विरोध में तो आप कैंसिल कर देते हैं, तो कहें कि बेटा वो भारत सरकार का चीज़ है मेरा नहीं है। तो हम कहा कि चाचा जो किताब पढ़ने के लिए विधानसभा से हमको दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार जमीन नहीं देगी तो भारत सरकार नहीं लेगा। अच्छा, तो पढ़ते हो, हमके तो दिए थे कहला। तो कहें कि ठीक है बेटा, तब 10-12 को विधायक के मिला लो, क्वेश्चन डालो मंजूर कर लेंगे। तो घड़ी झारखंड वगैरह भी साथ था, सबको बहुत 10-12 को मिलाए, क्वेश्चन डाले, मंजूर कर लिए और हमसे पूछे कि माननीय विधायक रामस्वरूप पासवान जी से पूछना चाहते हैं कि फायरिंग रेंज के विरोध क्यों कर रहे हैं। तो हम कहा था कि अध्यक्ष महोदय हम फायरिंग रेंज के उस रूप में विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे के यहाँ दलित आबादी है 60%, उसका काम है जंगल में लकड़ी काट के बाज़ार में बेचना। जंगल आप कहाँ से लाइएगा लकड़ी काटने के लिए? और जादों की आबादी है हमारा 30%, उसका काम है भैंस चराना, गाय भैंस को दूह के बाज़ार में बेचना खोवा, वो कहाँ से लाइएगा जंगल? तो कहीं क्या कोई विधायक तो बेचारा लोग तैयार हुआ, कहीं कि ठीक है इसको कैंसिल किया। तो वैसा ने स्थिति में जब काम कर दिए भाई वाह, अब कहा कि टिकट लालू जी कहे रांची बुला के कि रामस्वरूप तुमको क्लियर टिकट है, बेटा को कहीं फ़ोन करके इमाम रामस्वरूप पड़ेगा, इस चौधरी को पैसा पर बेच दिया। ये हालत तो है। तो आपको क्या लगता है हाल के दिनों में किस तरह से इमामगंज का विकास हुआ है? देखिए अब तो कहे ना कि आज जो कहे किए होंगे या वो लोग को पूछिए, हम जिस समय विधायक थे भईवा रचकेल पुल अथी बनाने की जब बात हुआ था उस समय एक पैसा फंड नहीं था हम लोग को, दूसर का जब रचकेल और गंगटी सब बनाने की बात हुआ तो हम का किए कलेक्टर उघड़ी थे कोई हरजन और DDC भी दोनों का अरविंद चौधरी से और ये सब बुला के हम दोनों को कहा कि DM साहब खाना आज हमको खिलाइए, तो कहीं बनवा देते हैं खाना बनने लगा तो सबको बुलाए ना हमको भी और DDC को भी। जब खाना पर बैठे तो हम कहा कि जरा से एगो मेरा सवाल आप सुन लीजिए, हम कहा कि अब हरजन कलेक्टर हरजन DDC और हरजन विधायक तीन मिल के हम रोड अथी पुल नहीं बनावेंगे तो का लोग कहेगा? तो कलेक्टर कहें कि विधायक जी एक पैसा फंड नहीं है। तो DDC बात था तेज, कहा कि है फंड, तो कहाँ से फंड है? तो जितना पंचायत का पैसा उसको हम सीज कर लेंगे, सीज करके गंगटी और स्केल बनाए। तो बाबू अपना समय में जो काम किया भले उसको ये लोग समझे न समझे या किस काम कारण पर इसे बिक रहे हैं तो वो लोग समझे। आज भी पता लगा लीजिए कोई आदमी अगर हमको कह देता है
सेवा करने के लिए, तो हम कलेक्टर की यहाँ, एसपी की यहाँ, आईजी ही जहाँ बनता है हम पटना तक तैयार रहते हैं। आप जब विधायक थे तो जो इलाका है ये डुमरिया, बांके बाजार, इमामगंज, इसके सुदूरवर्ती गांव में लोग डरते थे, हर दिन कुछ दिनों पर नक्सली घटना होती थी, पूरे देश में ये चर्चा रहती थी कि वो इलाका बहुत ही खतरनाक है, इस इलाके में राजेश कुमार की हत्या चुनाव के दौरान हुई, तो उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई थी कि वहाँ पर चुनावी रंजिश में पूर्व सांसद की हत्या हो गई। तो अब क्या हालात हैं यहाँ पर, उस वक्त क्या हालात थे? देखिए, हालात तो जब हम विधायक बने तो हम रोक लगाना शुरू किया नक्सलाइटों पर, ये लोग का किया कि हमारा ज़मीन सीज कर लिया और मकान जितना मेरा था 24 दिसंबर 24 दिन को मकान को गिरा दिया और हमारा पूरा परिवार को घर से निकाल के बाहर कर दिया। तब बांके बाजार में को डेरा लेके हम रहे थे, हमारा रंज में आज छपल है कागज़ है, छपल अगर आइएगा सर बांके बाजार तो हम दिखला देंगे, और वही लोग रंजिश में हमको ऐसे किया और जो मरा है ना वही सब करवा दिया हमको सब गति। अभी क्या हालात है नक्सली गतिविधि को लेकर? देखिए, नक्सली गतिविधि अब उतना कारगर नहीं होने वाला है क्योंकि अब हर आदमी को जागरूक भी हो गया और पुलिस हर जगह तैनात है, सड़कें भी बन गई हैं। जी, सड़क भी बन गया, घरे घरे, हाँ, अब उतना हिम्मत ही लोग को नहीं चलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस इलाके के लिए? संदेश देना यही चाहेंगे हम कि सब कोई आदमी जागरूक हो जाए, हम लोग जागरूक हैं और हम तब कहते हैं कि आज भी कोई ज़रूरत पड़े हमको 12 बजे रात के कहिए, हम तैयार रहेंगे आपका सेवा करने के लिए। तो फिर मैदान में आएंगे? हाँ आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।